मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना पीएफ को विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अब ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल पे ईपीएफओ। सबसे पहले लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे। देन ये आपका साइट ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है साइड में सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयज़ में। एम्प्लॉयज़ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, साइड में देखें लिखा आ गया है फॉर एम्प्लॉयज़ और नीचे लिखा आ रहा है सर्विसेज। यहाँ पे आपको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना है, जो नीचे आ रहा है सर्विस के नीचे मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में आपको दोस्तों अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर टाइप कर लेना है और पासवर्ड टाइप कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, कहते हैं ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको टाइप करना है सही। और इसके बाद आपको कैप्चा कोड इसका टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका सर दोस्तों लॉगिन हो जाएगा आपका। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको साइड में, राइट साइड में आपका मेंबर प्रोफाइल देख सकते हैं, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल होंगी। और लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख जाएंगे व्यू होम मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें अप्लाई करना है तो क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है प्रोसीड क्लेम के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको कौन सा पीएफ अप्लाई करना है, जैसे कि विड्रॉल करना है या फिर पेंशन करना है या फिर एडवांस पीएफ करना है। ओनली अगर आपको पीएफ विड्रॉल करना है, अगर आपने कंपनी से लीव ले लिया है या फिर आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो आपको 19 फॉर्म भरना है। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी कंपनी में काम, तो आपको एडवांस पीएफ के लिए 31 फॉर्म नंबर फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 19 नंबर फॉर्म फिल कर लिया है। इसके बाद सर दोस्तों आपको अपलोड फॉर्म 15G में कुछ नहीं करना है, कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सिंपली आपको एड्रेस फिल कर लेना है अपना और एक बैंक की चेक या पासबुक आपको यहाँ पे फ़ोटो या फिर स्कैन आप करके उसे अपलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि 100 से ज़्यादा हो और 500 से कम साइज़ हो आपकी फ़ाइल का, और वो JPG या कहते हैं JPEG या JPG में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप आई एम अप्लाई पे जो टिक मार्क है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपके कहते हैं आधार नंबर से, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा गेट OTP। तो गेट OTP आपको क्लिक करना है, तो अगर लिंक होगा तो आपका OTP आ जाएगा और वहाँ पे आपको OTP डाल के सबमिट कर देना है, तो आप अपना कहते हैं सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे।